तरीके से मथुरा में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। तो समाचार 24 पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मथुरा के लोहवन इलाके में एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया। थाना जमुनापार क्षेत्र के अंतर लोहवन बगीची के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और घटना की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि एक आरोपी को भी दबोच लिया गया है। तो मथुरा में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। तो इस खबर पर हम आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से यह पूरी घटना सामने आई है। दुकान के अंदर बुलाकर चार व्यक्तियों के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है और थाना जमुना पार के अंतर्गत लोहवन बगीची का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस खबर पर हम पूरी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये एक शर्मनाक घटना है। परिजन व स्थानीय लोगों के द्वारा आरोपी को पकड़ा गया है और उसके साथ आरोपी की जमकर पिटाई की गई है। तो मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के अंतर्गत लोहवन बगीची के समीप 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। दुकान के अंदर बुलाकर चार व्यक्तियों के द्वारा 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। परिजन व स्थानीय लोगों के द्वारा एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और पुलिस पूरे प्रकरण में जानकारी में जुटी हुई है और जांच में जुटी हुई है। लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया गया है। बाकी जो उस एक आरोपी जो पकड़ा गया है उसके अन्य साथियों की तलाश में भी थाना जमुना पार पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त की बेहद दर्दनाक खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर मथुरा के लक्ष्मी नगर इलाके से इस वक्त सामने आ रही है। तो बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि मथुरा में